हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद शहजाद। वेलकम टू योर अमेजिंग चैनल द गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वे से सीखेंगे। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर सेकेंड, एट्थ क्लास चैप्टर नंबर सेकेंड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इंट्रोडक्शन की थी। तो आज हमने करने वाले हैं चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 2.1, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी बच्चे, वो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कुछ रूल्स किए थे हमने, ठीक है, वो अच्छे से क्लियर होंगे तो आपको ये सम जो है बहुत इजी लगेंगे सम सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो क्लास एट्थ मैथ्स चैप्टर नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 2.1, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, और उसकी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है आपको, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमने रूल्स में किया था कि वेरिएबल को हमेशा आपने अकेला रखना होता है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना बच्चे, उसको हमने अकेला रखना होता है। तो एक्स को अकेला रखेंगे हम, एक्स, ठीक है, और एक्स के साथ या वेरिएबल के साथ कोई भी जो नंबर है उसको हमने दूसरी साइड लेके जाना होता है, ठीक है। और हमने किया था, रूल्स किए थे कि अगर कोई भी साइन हो वो किस में चेंज करना है, ठीक है। तो आप बताओगे, ठीक है। अब हमने ये माइनस टू, तो पहले तो एक्स इज इक्वल टू का साइन और जो पड़ा है 7, तो यहां पे वो लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये माइनस टू है, इधर लेके आना है, तो ये माइनस का है हमने किया था, वो किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा बच्चे, यस प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 7 में 2 ऐड करें, 7, 8 एंड 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो ये आपका फर्स्ट सम जो है इजीली हो गया, ठीक है। उनको अच्छे से आएगा होगा बच्चे, कि जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, ठीक है, वो मस्ट है बच्चे, वो देखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पर तो x ही नहीं आया, ठीक है। मैंने ये कहा था कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x, y, z या a टू z में से कोई भी हो सकता है, तो यहां पे है तो 1 ही ना, तो 1 ही वेरिएबल है। तो यहां पे हमने देखो, ये जो है ना प्लस 3, ये दूसरी साइड लेके जाना है हमने, ठीक है। वेरिएबल को एक साइड रखेंगे हम, y इज इक्वल टू, ठीक है, और जो बाद में नंबर पड़ा है वो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन जो y के साथ वेरिएबल के साथ पड़ा है उसको हम लेके जाएंगे इधर। अगर ये प्लस का है तो हमने सीखा था, अगर ये प्लस का है बच्चे, अगर ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, पता ही है आपको कि 10 में से माइनस करें 3 तो कितना आएगा, 7। तो ये आपका सेकंड इजीली हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, थोड़ा क्या है, जेड में देखो थोड़ी यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे मतलब साइड चेंज कर दी इसमें, तो क्या है, कोई घबराने की वाली बात नहीं है। तो जस्ट जो जिधर जिधर ना हमारा वो वेरिएबल पड़ा है उसके साथ जो नंबर पड़ा है वो दूसरी तरफ कर दो, बस हमने यही काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एज इट रखेंगे हम, ठीक है, z के साथ प्लस में पड़ा है 2, तो बस इसको इधर ले आएंगे अब, ठीक है। पहले हमने इसमें इसको इधर लेके गए थे, अब वेरिएबल क्योंकि इधर साइड है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में जो 2 है हम वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। प्लस का है तो आपको पता है वो माइनस का हो जाएगा, समझ में आई बात।
जो प्लस का है वो माइनस में हो गया, जेड एज इट पड़ा रहा। ठीक है, अब सिक्स में से माइनस टू कर दो, कितना हो जाएगा, फोर इज इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई बच्चे। ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे, ले सकते हो आप। ठीक है, ओके डन। आगे बच्चे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की थोड़ी इक्वेशन देखो ड्रा रही है ना। नहीं बच्चे, जस्ट आपने रूल्स याद रखने हैं, इक्वेशन से कभी डरना नहीं है आपने। ठीक है, रूल्स अगर आपको याद हैं, ठीक है, अगर प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाइकेशन में है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, अगर वो डिवाइड में है तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने जस्ट यही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमें पता है सॉल्व जब हम करते हैं इक्वेशन को कि वेरिएबल को एक साइड रखना होता है और जो वेरिएबल के साथ नंबर पड़ा है वो दूसरी साइड लेके जाना होता है। तो यहाँ पे भी वही करना है हमने। एक्स हमने साइड में निकाल लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, और जो फ्रैक्शन गिवन है हमें वो लिख दो, 17 ओवर 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में है बच्चे, यहाँ पे कोई माइनस का साइन तो नहीं लगा हुआ, ये प्लस का ही है। तो अगर ये प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पता ही है आपको। ठीक है, माइनस का होके क्या हो जाएगा, 3 ओवर 7। तो इन फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में से हमने ये वाली फ्रैक्शन माइनस करनी है। तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो तो सेम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू इन दोनों 7 में से हम एक कॉमन ले लेंगे, 7 ऊपर वाले नोमिनेटर्स हम एज इट रख लेंगे, 17 साइन कौन सा है, माइनस का है, और 3 यहां पे रख लेंगे। ठीक है, अब देखो एक्स इज इक्वल टू 7 तो नीचे पड़ा ही है। ठीक है, अब मैं 17 में से 3 माइनस कर दूं तो कितने हुए, बिल्कुल 14। ठीक है, 14 हुए। अब देखो यहां पे ये दोनों फ्रैक्शन है ना, हमने ये भी चेक करना है ये कट हो रहे हैं किसी टेबल के ऊपर। तो देखो 7 के टेबल पे ही दोनों कट हो रहे हैं। ठीक है, 7 1 7 एंड 7 2 14। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो उसको हम यूज नहीं करते। मैं पहले बता चुका हूं बच्चे पिछली वीडियो में आपको, x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारा, 2 आ गया। तो ये थी बस इक्वेशन, बहुत इजी थी। अब हमने नेक्स्ट करना है, ये तो बड़ा इजी है ना, 6x इज इक्वल टू 12, 6x इज इक्वल टू 12। अब मैंने बताया था कि अगर x के साथ कोई साइन ना हो, अगर उसके साथ कोई नंबर पड़ा है, ठीक है, तो वो किस में पड़ा होता है, वो मल्टीप्लाई में पड़ा होता है। अब 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाइकेशन के साथ पड़ा है, तो इसका रोल हमने सीखा था, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर पड़ा है मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, यही बस इसमें करना है हमने। तो x को तो एक साइड हमने निकाल लिया, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हम नीचे लिखते हैं इसको, x इज इक्वल टू 12 ओवर 6 हो गया। अब हम देखो इसको कट कर सकते हैं, है ना, ये 2 के टेबल पे भी आते हैं दोनों, ठीक है, 6 के टेबल के ऊपर भी दोनों आते हैं, 3 के टेबल के भी दोनों आते हैं, है ना। तो हम बड़े से बड़े जो टेबल है उसके ऊपर काटेंगे, इजिली शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, अब 6 के ऊपर ही आता है तो 6 के ऊपर ही देखो, 6 1 द 6 6 2 द 12। तो यहाँ पे भी कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर अगर 1 है तो वो यूज नहीं करते, x इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चे, समझ में आई बात, देखो इजी है ना, बिल्कुल।
अब यहाँ पे t ओवर 5 है। अब हमने देखना है कि वेरिएबल के साथ जो 5 पड़ा है वो कौन से साइन के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो ये हमें पता है बच्चे कि फ्रैक्शन जो होती है वो डिवाइड का सम होती है, तो नीचे जो होता है वो डिवाइजर होता है, ऊपर वाला डिवाइडेंड होता है। ठीक है, तो डिवाइजर पड़ा है तो मींस ये डिवाइड में पड़ा है 5, तो हम क्या करेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, टी लिखेंगे इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। ठीक है, अब ये डिवाइड में है, किस में है, डिवाइड में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहां पे हम बस क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 5 50। तो यहां पे वेरिएबल की वैल्यू यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई बच्चे। ठीक है, ये थे हमारे सम 4 5 एंड 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं बच्चे, 6 तक हो गए ना हमारे, तो 7 से लेकर हम 12 तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करें। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ये बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ओके, थैंक यू बच्चे।